गर्मी हो या सर्दी, अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा धूप में खड़े हो जाएं, तो हमें सनबर्न हो जाता है। इसका कारण है पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज। यही नहीं, यदि सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे पहुंच जाएं, तो पृथ्वी के सभी प्राणी खतरनाक रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। ओजोन परत तकरीबन 97% से 99% तक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, यानी हमारी धरती के लिए तथा धरती के सभी प्राणियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। लेकिन कुछ सालों से ओजोन गैस की मात्रा में कमी आ रही है और ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आजकल त्वचा के कैंसर की समस्या तेजी से लोगों में बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, और इसका एक प्रमुख कारण है ओजोन परत में छेद होना, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। इस परत की खोज सन 1913 में फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुशन ने की थी, जो कि पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण कुछ और नहीं बल्कि हम खुद हैं। वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े एक विश्लेषण में यह पाया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं। इनका उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं में करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, फोम, पेंट, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक इत्यादि। सभी प्रकार के रॉकेट इंजन द्वारा ओजोन नष्ट करने वाले रसायनों का दहन किया जाता है। इन्हें ओजोन परत के पास स्थित मध्य और ऊपरी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर परत में सीधे छोड़ दिया जाता है, जिससे सीधे तौर पर इसे भारी क्षति होती है। जब CFC धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर की ओर बढ़ते हैं, वहाँ वे पराबैंगनी विकिरण से टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणुओं को मुक्त करते हैं, जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 1982 से ओजोन के क्षेत्र के आकार पर नजर बनाए हुए है। विश्व स्तर पर बढ़ते तापमान के बीच इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, और यह पिछले 37 सालों में ओजोन के सबसे छोटे क्षेत्र के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। अंतरिक्ष से मिले नए आंकड़ों से पता चलता है कि यह क्षेत्र अब 39 लाख वर्ग मील से कम का रह गया है, और यह महज 13 हफ्ते पहले 8 सितंबर को 63 लाख वर्ग मील के रिकॉर्ड क्षेत्र की तुलना में लगभग आधा हो गया है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के केमिकल के बढ़ते प्रयोग, वृक्षों का अंधाधुंध कटना, इन सब के कारण ओजोन परत का क्षय बढ़ता ही जा रहा है। इसे बचाने के लिए हमें निजी वाहनों का सीमित उपयोग करना होगा, जिससे वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैस की मात्रा भी कम हो। शीतल करने वाले यंत्र जैसे कि रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग उपकरण, जिसमें CFC का उपयोग होता है, ऐसे उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में वायुमंडल में बनी रहे और इससे ओजोन अणुओं का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और भी अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।